आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव काजीपुरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 18 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 1 किलोमीटर है। 3200 वोटों वाले इस गांव की कमान रियासत हुसैन ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों को राशन व पैसे देकर आर्थिक मदद भी की गई है। ग्राम प्रधान रियासत हुसैन और सचिव सुरेंद्र सिंह के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। 4 वर्ष में इन्होंने किस तरह से गाँव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के काजीपुरा ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं और किस तरह से गरीबों की यहां लॉकडाउन के चलते मदद की गई है, इस सभी की जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान प्रतिनिधि से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि 4-4.5 साल जो है प्रधान जी के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं लगभग, तो क्या योगदान रहा है विकास कार्य में यहाँ का? विकास कार्यों में तो आप सारे विकास कराए हैं, मनरेगा में काम है, जैसे सड़कें हैं, सीसी टाइल्स की सड़कें आप देखे तो आयोग रास्ते में देखा होगा, और इधर सैन्य वाले रास्ते में आप जाकर देखो किसानों में नवाज की जगह भी कराई है और उसका रास्ता भी बढ़वाया। आवास वगैरह मिले हैं यहाँ लोगों को? आवास तो 2011 के थे, वो 3 आवास थे, वो तीनों केंद्र सरकार की। जैसे जो योजनाएं चलती हैं उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो गरीबों के लिए लगे हैं, तो आपके गांव में सभी को इसका लाभ मिला है? हाँ, उज्ज्वला कनेक्शन का लगभग सभी है, एक दो आदमी रह गए हैं तो उसके लिए और गैस के आपस सिलेंडर है वो भी सारे पूरे हो गए हैं। दो चार आदमी सम्मान निधि का पैसा किसानों के खातों में आ रहा था, कितने परसेंट लोगों का यहाँ आया है? किसान सम्मान निधि में पैसा तो आया है काफी लोगों, लेकिन उसमें कुछ समस्या आ गई, जैसे और खातों में पैसे चले गए हैं वो दे दिया मैंने सही करने के लिए खाते, मतलब जो लाभार्थी है उसके खाते से हट करते दूसरे खातों में पैसे चले गए, तो 4-6 आदमी ऐसे हैं तो मतलब दे दिया दोबारा अकाउंट में सही करा के। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम करवाए? स्कूल में तो आपकी एक तो टेबिले पड़ी है सारे स्कूल में, शौचालय बने हैं और एक स्कूल में सीसी टाइल उसमें लगवा दिए हैं सारा, और टाइल्स है, बाकी बिजली फिटिंग हुई है और सब चीज। बीते सालों से अब में जैसे कि स्कूल में इतना काम हुआ है, सुंदरकरण हुआ है, काफी सुविधाएं अब बढ़ाकर लगाई हुई है, तो इसमें पिछले समय से और अब के समय में फर्क आपको नजर आता है? जैसे बच्चों की संख्या बढ़ी है या पढ़ाई का जो लेवल है, पढ़ाई भी बेहतर हुई है, फिर उसमें जैसे रहने रहने के लिए जैसे आपकी टेबिलें पढ़ रही हैं बच्चों की, तो उससे कुछ एडमिशन भी बढ़ रहे हैं, फिर पढ़ाई भी बच्चों में इंटरेस्ट आ रहा है कि वो प्राइवेट स्कूल को प्रेफर ना करके गवर्नमेंट स्कूल में। और नए भर्ती भी हैं, टीचर जितने भी हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये है। सरकारी बिल्डिंग के अलावा जैसे स्कूल के अलावा यहाँ सरकारी बिल्डिंग में बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं ग्राम पंचायत में? नहीं, पंचायत भवन अभी आया है, वो बनना है, उसका निर्माण चालू हो गया जी, अभी आया जी, मतलब अभी निर्माण तो शुरू हुआ, शुरू करा दिया बारात घर नहीं है, वो बारात घर ही होगा, मतलब पंचायत नहीं बनना, पंचायत भवन अलग है, बारात घर अलग है, पंचायत घर तो चालू हो गया, इतना बारात घर आ जाए अगर कोई टाइम जी, आंगनबाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान, खेल के मैदान जगह नहीं है, खेल के मैदान जगह नहीं है। अस्पताल कितनी दूर है? अस्पताल है एक जो सरकारी अस्पताल वो तो कुदर की है ही, बाकी ये गाँव वाला था उसमें दिक्कत है, हाँ वो आते नहीं है डॉक्टर वॉक्टर कोई भी, मतलब कोई डॉक्टर या किसी तरह का कोई चिकित्सक यहाँ बैठता नहीं, कोई नहीं बैठता उसमें, किसी ने भूल डाल रखा है, कोई गेट जगह खोल के, इसके लिए आपने कभी मतलब कोई शिकायत या कोई कोशिश नहीं की कि इस पे यहाँ कोई शिकायत करी है? कोई सुनवाई नहीं है इस पे शिकायत करने में। कितना समय से ये ऐसा जो है हालत है इसकी? ये शुरू से कोई आया नहीं है इसमें, आज तक कोई शिकायत करने के बावजूद भी किसी ने देखा नहीं है? लड़का एक परवेज उसने शिकायत करी थी, एक बार उसने भी शिकायत आई थी मैंने उससे, कोई सुनवाई नहीं है, मतलब कोई भी अभी तक इसे देखने या कोई कार्रवाई इस पर अभी तक हुई नहीं है। लॉकडाउन जैसे कि रहा है इतने दिनों का, तो काफी लोगों को कई बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, आपके ग्राम पंचायत में भी ऐसे कई परिवार होंगे जो काफी बुरे हालातों से गुजरे होंगे, तो उनके लिए आपकी किस तरह से मद्द यहाँ पर रही है ग्राम प्रधान द्वारा, क्या क्या मदद? उसमें
मदद दिलाई है, मैंने तहसील से भी दिलाई मदद, अपने पास से भी कराया और विधायक जी ने भी दिया आपने जी, विधायक जी के सहयोग से भी। हाँ, मिलाया और कुछ विधायक जी ने तहसील से भी दिलाया, बात करके कुछ आया तो मैंने दिलाया, कुछ मैंने अपने पास से भी।